क्वेश्चन नंबर एट कहता है देर इज अ करंट ऑफ 20 एम्पियर इन अ कॉपर वायर ऑफ 10^-6 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर इज 10^29 देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज। सिंपल सी बात है, वापिस से मैं तो वही बेसिक से जाना चाहूंगा, मुझे जो फॉर्मूला पता है मैं उसकी बात करता हूँ कि आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, यहां से वी डी, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वी डी क्या है, वी डी हो जाएगा अपना आई अपॉन एन ई ए। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चेंज कराता है या क्या क्या वैल्यू दी हुई है, हमसे वी डी ही तो पूछिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वी डी क्या हो जाएगा, अच्छा बोलिए आई क्या हो जाएगा 20 एम्पियर, तो आई का वैल्यू लिख दिया मैंने 20 और यहाँ पे दिया हुआ है एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया है पर क्यूबिक मीटर इज 10^10, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे वी डी, यहाँ पे आई दिया है 20, यहाँ आ जाएगा 10^29 मल्टीप्लाई बाय ई, इलेक्ट्रॉन पे हम जाते हैं चार्ज होता है 1.6 × 10^-19 और एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 10^-, कॉपर वायर ऑफ स्क्वायर मीटर एरिया, ये हो जाएगा आपका 10^-6। और कुछ वैल्यू अभी से सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं, देखो -6 और -19 ये कितना हो जाएगा 25 में से गया 29 तो कितना बचा, अगर मैं इसको काट देता हूं तो यहां से मुझे मिल रहा है 21.6 मल्टीप्लाई बाय 25 में से गया माइनस का ये गया तो ये बचा 10^4 करेक्ट है। अब यहां पे आंसर अपन देख लेते हैं, अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं आई इजिकल टू एनी विटी आगे सॉल्व करूं तो आंसर मेरा आना चाहिए 10^4, यहाँ पे इसको पॉइंट हटा के एक और पॉइंट, इसको पॉइंट हटा के यहाँ ले लेते हैं ठीक है, ये दो पॉइंट से यहाँ पे दो चला जाएगा तो ये बचेगा 2 = 1/8 और नीचे आएगा 10^2, इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 1.25 ठीक है, बस सॉल्व करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, पॉइंट लगाएंगे 0 तो 2, ये हो जाएगा 1 टाइम्स ठीक है, 1 टाइम्स जाएगा तो 8 बचा 2, यहाँ पे बचेगा 0 तो यहाँ आ जाएगा 2 ठीक है, तो ये होगा 0.1 ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.125 की पावर, ऊपर जाएंगे 10^-2, एक और इधर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.25 × 10^-3 समझ रहे हैं ना, माइनस क्या है यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा ठीक है, ऐड करना पड़ेगा, तो 1.25 × 10^-3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।